राष्ट्रीय कार्यकारिणी से शनिवार को एक विवादित बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने एडमिरल एल रामदास को आंतरिक लोकपाल तथा भूषण को राष्ट्रीय अनुशासन समिति के प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में आपने आंतरिक लोकपाल पैनल में बदलाव करते हुए 3 नए सदस्यों को शामिल किया है और नई अनुशासन समिति का गठन किया है। आपने फैसला किया है कि अब भूषण के स्थान पर दिनेश वाघले 3 सदस्यीय अनुशासन समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल के वफादार माने जाने वाले आशीष खेतान और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता शामिल हैं। नए लोकपाल पैनल में पार्टी पूर्व आईपीएस अधिकारी एन दिलीप कुमार, राकेश सिन्हा तथा शिक्षाविद एसपी वर्मा को लाई है। पार्टी के लिए, खास तौर पे एक ऐसी पार्टी के लिए जो लोकपाल के आंदोलन से पैदा हुई, ऐसी पार्टी के लिए जिसने कहा था कि लोकपाल हो तो पूरा देश बदलेगा, एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने कहा था कि हम सबसे पहले इस देश की राजनीति में लोकपाल को लाना चाहते हैं, ऐसी पार्टी के लिए बहुत शर्म की घड़ी है कि हमारी पार्टी के लोकपाल को स्वयं कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने मुझे बिना बताए हटा दिया। आम आदमी पार्टी नामक आंदोलन के लिए बहुत शर्म की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि इससे पार्टी का नेतृत्व कुछ सबक लेगा। अगर हम अपनी पार्टी के अपने बनाए हुए लोकपाल की इज्जत नहीं कर सकते तो दुनिया में क्या खाक लोकपाल हम बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक ये नेशनल एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि वो नए लोकपाल की नियुक्ति करे। आम आदमी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि जो पुराने लोकपाल हैं वो अपना टेन्योर खत्म करने से पहले नए लोकपाल की नियुक्ति वो करेंगे, कार्यकारिणी नियुक्ति नहीं करेगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।